हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला। तो जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और छोले मसाले ऑर्डर करते हैं तो जो उसका टेस्ट होता है वो कुछ अलग ही होता है, लेकिन जब हमें ये रेसिपी घर पे ही मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो यही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला। तो सबसे पहले एक कटोरी काबुली चना को मैंने 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। 5 से 6 घंटे बाद मैंने उसका पानी जो है वो निकाल लिया है और वो छोले मैंने एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए। उसमें डालेंगे हम 2 ग्लास पानी और 1/2 छोटी चम्मच खाने वाला सोडा। इसे मिक्स कर देंगे। खाने वाला सोडा डालने से जो छोले है वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे 3 सीटियाँ होने तक पकने देंगे। तो कुकर की 3 सीटें होने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने छोलों को अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे छोले जो है वो कितने बढ़िया से पक गए हैं। तो सोडा डालने से आप इसे जल्दी पका सकते हैं, और अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो इसकी 5 से 6 सीटें आपको करनी पड़ेगी। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हम गरम होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, 2 लौंग। अब इन खड़े गरम मसालों की खुशबू आने तक हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे कुछ सेकेंड के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है, वो हम तेल में डाल देंगे। अब हमें इस प्याज को 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और उसे भी तेल में 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा टमाटर, जिसे मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हो। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 1 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है। अब हम एक लीड की मदद से इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका जो मतलब है कि टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच छोले मसाला। तो यहाँ पर मैंने मार्केट वाला छोले मसाला का इस्तेमाल किया है, इससे जो है टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को तेल में अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाले थोड़े सूखे सूखे लग रहे हैं, तो मैं इसमें डालूंगी और 1 बड़ा चम्मच तेल। फिर एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले वो बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। तो जो हमने उबले हुए छोले रखे थे वो सभी इसमें डाल देंगे। तो इन उबले हुए छोलों को भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे भी एक बार छोलों के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से थोड़ा मैश भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। तो मुझे यहाँ पे थिक कंसिस्टेंसी वाले छोले चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कम पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप आपके पसंद के अनुसार पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मिला देंगे। तो अब हम इसे एक लीड की मदद से कवर कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हम लीड हटा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोले मसालों को बहुत ही अच्छा कलर आया है। हम इसे एक बार फिर हल्के हाथों से मिला देंगे। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी आई है छोले मसालों की। तो अब यहाँ पे हमारे छोले बन के तैयार हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। तो हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप उसे भटूरे, पूरी, चावल या फिर रोटी के साथ गर्मा गर्म खा सकते हैं। थोड़े से धनिया पत्ता डाल के मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। तो ये जितने दिखने में बढ़िया लग रहे उतने खाने में भी है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।